2023 के लास्ट मंथ के अंदर हमको पता चला था कि वन पीस का कोई रीमेक भी आने वाला है, जिसको कि आगे चलकर विट स्टूडियो एनिमेट करने वाला है। और आज फाइनली हमको वन पीस डे पे वन पीस के रीमेक के बारे में बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने को मिली है, जिसके अंदर हमको पता चला कि पूरी की पूरी अटैक ऑन टाइटन की जो टीम है वो सारी की सारी वन पीस के रीमेक के ऊपर काम करने वाली है। लाइक अटैक ऑन टाइटन के जो डायरेक्टर्स थे वो सारे के सारे वन पीस के रीमेक के ऊपर वर्क करने वाले हैं। और अगर आपने अटैक ऑन टाइटन के पहले 3 सीजन देखे होंगे तो आपको इनके एनिमेशन क्वालिटी के बारे में तो पता ही होगा। और इतना ही नहीं, इन लोग ने स्पाय एक्स फैमिली और मून राइस जैसे एनिमे के ऊपर भी काम करा है, जहां पर एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक ने एओटी के पहले 3 सीजन के ऊपर काम करके रखा है। और यही अभी उनकी पूरी की पूरी टीम वन पीस के रीमेक के ऊपर काम करने वाली है। मतलब यहाँ पर आप सोच भी सकते हो कि जिन लोग ने जीजेके के ऊपर, स्पाय एक्स फैमिली के ऊपर काम करा है और भी बहुत सारे न्यू जनरेशन के एनिमे के ऊपर काम करा है, वही लोग अभी वन पीस का रीमेक बनाने वाले हैं। लाइक यहाँ पर मुझे लास्ट पता भी नहीं कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड किसी चीज के लिए हुआ भी था। लाइक आगे आने वाले कुछ सालों तक वन पीस को कोई भी एनिमे टक्कर नहीं दे पाएगा। लाइक यहाँ पर हमको वन पीस का लाइव एक्शन देखने को मिल रहा है, उसका रीमेक देखने को मिल रहा है, और वन पीस के मांगा के अंदर हमको जल्दी ही एल्बा फार्क देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर भाई काफी तगड़ी वाली तबाही होने वाली है। लाइक यहाँ पर अभी जिन बंदों ने वन पीस को देखा नहीं है वो लोग वन पीस को हेट ही नहीं कर पाएंगे। जो वन पीस के हेटर बोलते रहते हैं ना कि वन पीस का एनिमेशन सही नहीं है, उसकी पेसिंग सही नहीं है, वन पीस के एपिसोड बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये वन पीस का रीमेक आएगा तभी इन लोग के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर हमको न्यू प्रोडक्शन को लेकर बहुत सारी चीजें दिखाएगी, जिसके अंदर हमको दिखाया गया कि न्यू वाले कैरेक्टर डिजाइन कैसे होने वाले हैं। और इन लोग ने इंटरव्यू के अंदर बोला था कि ओडा सेंसे ने उन लोग को पूरा का पूरा फ्रीडम देके रखा है। लाइक ओडा सेंसे ने उन लोग को बोला था कि तुम लोग को मेरी कॉपी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एनिमेटर लोग वन पीस के न्यू रीमेक के ऊपर काम कर सकते हैं, और इसी वजह से हमको रीमेक के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हमें ईस्ट ब्लू सागा के अलग अलग इमेज बोर्ड देखने को मिले हैं, जिसके अंदर हमको पता चला कि ईस्ट ब्लू सागा के अंदर हमको कैसे कैरेक्टर डिजाइन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर कौन सा वाला सीन कौन सी वाली जगह के ऊपर टेक प्लेस करने वाला है। इसके डिटेलिंग को एड करने के लिए उन लोग ने पूरा का पूरा शेल विलेज का एक 3D मैप ही बना के रखा है। लाइक यहाँ पर आप सोच सकते हो कि इन लोग ने भाई 2-3 एपिसोड के लिए पूरा का पूरा 3D मैप ही बना के रखा है। लाइक इसको देख के आपको पता चल रहा हुआ कि भाई ये लोग अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, जहाँ पर उन लोग ने बोला कि वो एनिमे को मांगा से ज्यादा अलग बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो मांगा के सारी अच्छी चीजों को एनिमे के अंदर ऐड करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर उनका बोलना है कि वन पीस तो पहले से इतना ज्यादा अच्छा है, इसीलिए रीमेक के अंदर ज्यादा चीजों को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस मांगा के अंदर से उसके बेस्ट पहलुओं को लाके वन पीस के रीमेक को बनाने वाले है। और वहां पर डायरेक्टर ने बोला कि मुझे वन पीस बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए यहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि वन पीस के रीमेक का काम किसी और स्टूडियो के अंदर जाए, और अभी जो मैंने रीमेक का काम अपने हाथों में ले लिया है तो आगे चलकर मैं आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रीमेक लाके दूंगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो लोग वन पीस के रीमेक के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग एक तरीके से वन पीस को काफी ज्यादा टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, और इन लोगों ने मेजोरिटी सारे के सारे न्यू जनरेशन के एनिमे के ऊपर काम करके रखा है, तो हमको वन पीस के रीमेक की भी क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलने वाली है। तो अभी तक हमको वन पीस के रीमेक के बारे में इतना ही पता चला है, इसकी अभी तक कोई भी रिलीज डेट या कोई भी ट्रेलर रिवील नहीं हुआ है। तो जैसे मुझे रीमेक के बारे में और भी अपडेट्स मिल जाते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो होपफुली गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।